राज्य भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से चिंतित राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन जारी कर रखे हैं। गाइडलाइन के अंतर्गत सभी विद्यालय बंद हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार ने बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता जारी रखने के ख्याल से विशेष कार्यक्रम लागू किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अनुपलब्धता वाले वर्ग 1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों के घर घर जाकर पढ़ाई के निरंतरता को बनाए रखेंगे। एकाद शिक्षक को छोड़कर बाकी शिक्षकों के लिए सरकार का निर्देश कोई मायने नहीं रखता, मगर बेगूसराय के रानी 2 पंचायत अंतर्गत बेगमसराय गाँव दलित मोहल्ले में स्थित प्राथमिक विद्यालय बेगमसराय अनुसूचित की शिक्षक संध्या कुमारी अपने कर्तव्य निष्ठा के बदौलत जहां शिक्षक समुदाय के लिए मिसाल पेश कर रही है, वहीं शिक्षा प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन बच्चों के लिए शिक्षा की अलख जगा रही है। उक्त शिक्षिका अपने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है। स्थानीय अनुसूचित मोहल्ले के ग्रामीण अभिभावक व बच्चे बताते हैं कि बिना किसी भेदभाव के मैडम हम लोगों के घरों में आकर बच्चों के हाल चाल के साथ अभिभावकों से भी कुशल क्षेम पूछती है, साथ ही पाठ्यक्रम संबंधित सवाल जवाब एवं संक्षेप वर्णन कर बच्चों को समझाती है, पाठ्यक्रम से होमवर्क भी देती है। उक्त शिक्षिका नित्य दिन किसी न किसी बच्चे के घर पठन पाठन में मशगूल दिखती है। अभिभावक कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शिक्षिका एवं बच्चों के बीच लगाव इतना ज्यादा है कि बच्चे अपने कॉपी कलम निकाल कर मैडम के आने का इंतजार करते हैं। विद्यालय की प्राचार्या संध्या कुमारी कहती है कि शिक्षक की नौकरी महज एक जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं, बल्कि वो साधना है जिससे समाज के नवनिर्माण की बुनियाद रखी जाती है। शिक्षकों को बच्चों के बीच सिर्फ औपचारिकता पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके बीच सुकून महसूस करनी चाहिए। स्कूल तो बंद है, इसीलिए तो हम आए हैं। स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक ना? कुछ याद है तो उनको सुना दो जरा कविता। हम लोग अभी शुरू किए थे ना 100 डेज रीडिंग कैंपेन, स्कूल में शुरू किए थे 1 जनवरी को, उसी में कुछ सुना दो कविता, अगर याद है तो सुनाइए। जी सुनाइए। जंगल में चार बार कितनी गाय सोर, बिल्ली वर्षी गोरे बार चली जंगल और, कितनी गानी छिंग गाय गाय में दिल घूम गाय छिंगा, चावल संग मीठी मीठी खीर पकाए भालू, सास सजा सब चला जा बंदर मामा हिरन से खाया जो दस बोले गो खाया इलाज बताए गर्म गर्म पानी। बहुत अच्छा, चलो ताली बजा दो भाई, तुम लोग भी बजाओ, भाई याद है इसको ऐसा। यहाँ देख कौन सा हिंदी नहीं है बाबू, ठीक है? कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते सभी सरकारी विद्यालय जो है बंद कर दिए गए हैं और पठन पाठन स्थगित है। शिक्षकों के लिए विद्यालय खुला हुआ है, शिक्षक रोज आवागमन करेंगे लेकिन बच्चे नहीं आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि कुछ करें बच्चों के लिए। और सरकार का भी आदेश है कि जिन बच्चों के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नहीं है उनको घर पे जाके हम प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें ताकि बच्चे पठन पाठन करें। इसी उद्देश्य से मैं अपने दलित क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको घर पे जाके मोटिवेट करती हूँ और प्रेरित करती हूँ ताकि वो कुछ सीखें और पढ़ें।